मैडम स्कूल और वेलकम टू द चैनल। तो गाइस पिछले वाले वीडियो में मैंने जो अपने गेमिंग सेटअप का थोड़ा सा टूर दिया था, तो ये कुछ सेटअप है हमारा फिलहाल। तो थोड़ा सा मैं उसमें ज्यादा डिटेल वीडियो में नहीं किया था, मैं जस्ट कैजुअली थोड़ा सा नॉर्मली लोकल चीज बता दिया था मैं, जो जो मेन मेन पार्ट लगते हैं। पर काफी लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम में डीएम्स किए, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, काफी दोस्त मेरे कि भाई तेरे पीसी का जो जो स्पेसिफिकेशन है, जो जो सब चीजें, एक डिटेल वीडियो बना तो मेरे को कंटेंट मिल रहा था। और कंटेंट छोड़ने वाले नहीं है हम इस लॉकडाउन में, कंटेंट की कमी बहुत है हमारे पास। तो मेरे को एक कंटेंट मिला, मैंने सोचा इतनी पब्लिक डिमांड कर रही है तो भाई बना ही ले एक वीडियो। तो गाइस आज के वीडियो में हम थोड़ी स्टोरी टेलिंग करेंगे और डिटेल्ड में जाएंगे कि क्या क्या हमने लगवाए हैं। ज्यादा बोर होंगे तो थोड़ा स्किप कर लीजिएगा, सिनेमेटिक भी दिखाएंगे, चिंता ना कीजिएगा। और सॉरी फॉर द इतनी इंग्लिश क्यों बोल रहा हूँ मैं, तो सॉरी क्योंकि मैं अभी व्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब व्लॉगिंग रेगुलर व्लॉगिंग नहीं आ रही है, इसके लिए सॉरी। बट आगे आगे देखते हैं क्या होता है, फिर से तो लॉकडाउन फिर शुरू होगा, ऐसा कुछ बातचीत देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, देखते हैं। होपफुली जो भी होगा बेस्ट होगा, अच्छे से होगा। तो गाइस मैंने अपने पीसी के अकॉर्डिंग या फिर जो जो गेमिंग पीसी में या फिर जो जो गेमिंग सेटअप में लगवाए हैं या फिर बिल्ड करवाया है फिर खरीदा है, सारे के एक मैंने डिटेल बनाया हूं, तो थोड़ा कॉपी निकाल लेता हूं। तो एक पेपर में मैंने सारी डिटेल लिख ली है ताकि एक भी चीज हमसे ना छूटे। तो ये आपके सामने कुछ देख सकते हैं, ये है हमारा पीसी, तो थोड़ा सिनेमेटिक देख लो। तो पीसी में सबसे महत्वपूर्ण चीज, हिंदी भी बोल रहा हूं मैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है उसका प्रोसेसर। प्रोसेसर रैम रोम ये सब तो जान ही रहे हो आप लोग। तो मैंने जो प्रोसेसर लगवाया है वो है i5 थर्ड जनरेशन। मैं 8th जनरेशन लगाने वाला था पर 8th जनरेशन में वो रेट थोड़ा ज्यादा पड़ रहा था, तो इसलिए मैं थर्ड जनरेशन लगा ला। क्योंकि मेरा थर्ड जनरेशन लगाया क्योंकि मैं थर्ड जनरेशन से मेरे जितनी काम है वो सब हो जा रहा है, तो मैं फिर 8th में खोल रहा हूं। तो 8th जनरेशन न लगा के मैं थर्ड जनरेशन लगा हूं, i5 8th जनरेशन इंटेल का है। और उसके बाद रैम की बात करते हैं थोड़ी बहुत, तो रैम मैंने 8GB लगवा दिया है, उसके बाद एक और खाली है हमारा, तो मैं बाद में सोचूंगा या फिर बाद में सोचेंगे हम कि 8GB और लगवा लेंगे, तो 8 16GB का ये बन जाएगा रैम, फिर काफी स्मूथ चलेगा। उसके बाद जाते हैं थोड़ा स्टोरेज के बारे में, क्योंकि स्टोरेज भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टोरेज अगर नहीं होगा तो फिर समझ जाओ बस। तो स्टोरेज हमने लगाया है, एक SSD लगाया हुआ ताकि कॉपी पेस्ट में थोड़ी स्पीड बने रहेगी, और SSD का तो आप काम जानते ही हैं क्योंकि सारे पैसे SSD के हैं, तो SSD स्पीड के लिए रहता है और स्टोरेज भी रहता है हालांकि। पर SSD आप लगाओगे, ये दोनों में डिफरेंस ये होता है HDD और SSD में, कि SSD में स्पीड बूस्ट हो जाता है, SSD थोड़ा सा स्लो जाता है SSD से, इसलिए मैं 256GB का SSD लगवा लिया हूं, और ताकि स्पेस थोड़ी कम है करके मैं 1TB का HDD भी लगा लिया हूं। और ये देख सकते हैं हमारे पास 1TB का एक और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी लगा पड़ा है पीछे, तो मींस 2TB प्लस 256GB SSD हो गया। SSD को मैं सी प्रोसेसर बना लिया, मैं लोकल डिस्क सी बना लिया ताकि उसमें सब चीज स्टोर रहे और बाकी चीज सब स्टोरेज के लिए। भूल गया हूं, आगे लिस्ट देखना पड़ेगा क्या क्या है। तो गाइस नेक्स्ट हमारा है ग्राफिक्स कार्ड। मैन बहुत गेमिंग अगर बनाया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है आपका ग्राफिक्स कार्ड, क्या कंपनी का है, कितना ईबी है, क्या उसके स्पेक्स हैं, तो काफी मेन रोल करता है ग्राफिक्स कार्ड गेमिंग सीपीयू में ना। तो हमारा ग्राफिक्स कार्ड है भाई लोग एनवीडिया का GTX 730 है, और जो कि मैंने लगवाया 2GB रैम का एक्सटर्नल और लगवा सकते हैं। अभी मैं सोचा हूँ 2GB का और बढ़ा दो, तो कुछ दिनों बाद हम 2GB का और एक्सटर्नल लगा लेंगे, वही एनवीडिया का लगाएंगे, एनवीडिया का लगाएंगे, तो 2GB का और लगा सकते हैं, 4GB बना सकते हैं उसे हम। तो नेक्स्ट हमारे लिस्ट में है विंडोज, तो हम विंडोज 10 ही लगवाए हैं ऑब्वियसली, और हमारे में ऑलरेडी दिया गया है साउंड कार्ड 100% और DirectX 10 का कॉम्पेटिबल दिया गया है, तो ये कुछ लगाना हमको नहीं पड़ रहा है, तो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है, ड्राइवर वाइवर है वो तो आप जान ही रहोगे, ड्राइवर है वो तो इंस्टॉल हो जाते हैं, वो आपको नेट में मिल जाएगा, पर हमारे में ऑलरेडी दिया गया है, बढ़िया। बाकी सब चीज तो नॉर्मली जो कंप्यूटर्स में लगते हैं SMPC सब तो नॉर्मल चीजें हैं, वो तो सेम ही है।
और आपको थोड़ा नजर में आ रहा होगा कि पहले जो मैं पहले वीडियो में दिखाया था वो थोड़ा बड़ा वाला जो सीपीयू था, तो दिक्कत ये हुई कि उसकी एसएमपीएस के जो वायर्स होते हैं वो थोड़े छोटे पड़ रहे थे, तो बार बार सीपीयू में प्रॉब्लम ये आ रहा था, सीपीयू बंद हो जा रहा था, फिर चालू नहीं हो रहा था, वो लूज हो रहा था अंदर से वायर। बड़े बड़े गेमिंग सीपीयू में जो आते हैं वायर थोड़े लंबे आते हैं, क्योंकि 420 वोल्ट का 420 वोल्ट का होता है आई थिंक सो, छोटे सीपीयू में है एसएमपीएस, बट बड़े वाले गेमिंग पीसी में है एसएमपीएस 700 कितना वोल्ट का आता है, तो वो वाला उसमें लग रहा था, तो वो वाला हमको बाय करना पड़ा और सील हो गया इधर सारे भाई, तो उसको मैं मंगवा दिया हूँ, वो जब तक आएगा फिर वो वाला पीसी, फिर बड़ा वाला। मैं कैबिनेट बस चेंज हुआ है, पहले का कैबिनेट जो था गेमर्स एरिया कुछ का वैसे कैबिनेट था, गेमर्स लोगों का था और उस कंपनी का नाम बोल रहा हूँ, और अभी जो है वो थोड़ा अभी नॉर्मल वाला कैबिनेट लगा दिए हैं, जो गेमिंग कैबिनेट नहीं है वो है फॉक्सिन का कैबिनेट अभी लगाया है, पर एक आध हफ्ते के बाद वो कैबिनेट फिर से आ जाएगा और वो लंबा वाला वायरस एसएमपीएस का सिस्टम वो लग जाएगा। उसके बाद थोड़ी बहुत और जो गेमिंग में हमने इंक्रीज किया, हमें अपडेट किया, अपग्रेड किया है, और उसके बाद क्या है थोड़ी गेमिंग में हम जो जो अपग्रेडेशन किए हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल बात करते हैं। ये जो लाइटें आप पीछे देख पा रहे हैं ये आरजे लाइट हमने मार्केट परचेस किया था, 150 रुपए मेरे को पड़ा था, बहुत सस्ता है, आप लगा सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ एक और खरीदूँ और ऊपर पे लगाऊँ, अच्छा लगे तो थोड़ा कमेंट करके बताएं कि लगाऊँ के ना। नेक्स्ट के जाते हैं तो ये देख पा रहे हैं आप इधर राइट पे मेरे, ये है हमारा वेबकैम, तो वेबकैम हमारा है इंटेक्स का, थोड़ा देख लें आप सिनेमेटिक्स का भी। तो भाई साहब ये वाला वेबकैम मैं परचेस नहीं किया हूँ, ये मेरे भैया रिंकू भैया ने किया है, तो बिग थैंक्स टू रिंकू भैया फॉर गिविंग दिस प्रोडक्ट। इतनी इंग्लिश क्यों बोलता भाई। तो ये वाला उनके पास पहले से पड़ा था, उनका कुछ यूजेस नहीं था, तो मेरे को उन्होंने दे दिया, तो ये बड़ा हमारा काम आ रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये वाला जो मॉनिटर आप देख पा रहे हैं, ये थोड़ा सिनेमैटिक भी देख लो। तो ये जो जेब्रोनिक्स का मॉनिटर मैं बहुत पहले से ले लिया, पर अभी तक वो चल रहा है काफी अच्छा, स्मूथ वर्क कर रहा है, 4000 रुपए पड़ा था मेरे को ये करीब करीब। वेबकैम का प्राइस नहीं बताया ना, वेबकैम भी भैया को करीब करीब 2-2.5 हजार के करीब पड़ा था, वैसे बहुत पुराना वेबकैम है ये। तो आते हैं फिर हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले पे, तो डिस्प्ले मेरा पड़ा था ये जेब्रोनिक्स का डिस्प्ले है, ये 3 या कितना पड़ा था 4000 आसपास, तो ये भी मैंने मार्केट से परचेस किया था, ऑनलाइन परचेस नहीं किया था, तो अगर मिलेगा लिंक तो डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ। जेब्रोनिक्स का है भाई साहब इंडियन कंपनी है, फिर चाइनीज माल का जो ऐसे मत बोलना, कमेंट सकते हैं ना, इंडियन है, इंडियन है, जेब्रोनिक्स इज एन इंडियन कंपनी। उसके बाद थोड़ा एक जॉयपैड देख लो, तो ये जॉयपैड जो है ये भी जेब्रोनिक्स का है, ये भी इंडियन कंपनी है, तो ये जब जॉयपैड में पड़ा था 4000 रुपए, तो इसमें ट्रिगर विगर सब चीज है, ये कंट्रोल भी है, इसे क्या बोलते हैं पता नहीं, ये कंट्रोल भी है, दो कंट्रोल इधर दिए हुए हैं, और पीसी में खेलने के लिए इधर ट्रिगर भी है, पीसी में खेलने के लिए इधर ट्रिगर भी है, टेंशन में वाली बात नहीं है, काफी सही है जॉयपैड है, खरीद सकते हो मीडियम रेंज में गेम में खेलने के लिए बहुत सही जॉयपैड है। नेक्स्ट के बारे में बात कर लिया है, तो नेक्स्ट लास्ट एंड नेक्स्ट है हमारा ये गेमिंग कीबोर्ड। तो ये गेमिंग कीबोर्ड मैंने लिया था वही मार्केट से, तो ये मेरे को पड़ी थी 1100 रुपए का, ये रेपू का है कुछ कंपनी, लॉजिटेक का भी एक पड़ा है मेरे पास, वो वायर वाले हैं, और ये जो है ये ब्लूटूथ वाले हैं, ब्लूटूथ की एक आता है ओटीजी टाइप का, वायरलेस है बोलो तो वायरलेस है ये, तो ये बड़ा सही काम कर रहे हैं, माउस भी वायरलेस है हमारा, अभी फिलहाल वायरलेस वाला माउस का बैटरी खत्म हो गया, तो बैटरी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ वायरलेस यहाँ पे वायरलेस माउस पड़ा है, तो इसे यूज नहीं कर रहे फिलहाल, 2-3 दिन से बैटरी खत्म है उसका, तो अभी लॉजिटेक का मैं वायर का माउस लगा दिया हूँ, टेम्परेरी जुगाड़। बाकी सब सेम ही है, बाकी सब पहले से परचेस था, लैपटॉप ये सब देख सकते हैं पीछे, ये तो आपको मैं बता चुका हूँ पहले, बहुत पहले से बता चुका हूँ, ये थोड़ा बाद में मैं वीडियो को डिटेल में लेना नहीं चाहता, लंबा वीडियो बन जाता है, ये होम थिएटर ये सब तो आप देख ही चुके हैं पहले मेरे वीडियोज में,
तो आई होप सो ये वीडियो डिटेल में गई है तो थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हो। दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर कर देना, हमारी खुशी बांट देना। शेयर करने से हमें भी अच्छा लगता है, आपको अच्छी लगी तो जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट डाउन बिलो लेट मी नो कि लोग क्या क्या बोलना चाहते हैं या फिर क्या उनकी राय है। बाकी सब एज यूजुअल बढ़िया है गाइस। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपके पास आए जब भी वीडियो अपलोड होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माय पार्ट ऑफ द सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। लिव योर लाइफ टू ड्रीम। बूम।